السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، يا سادات أصحابه، مدد يا مشايخ الدستور، مولانا إن شاء الله فاز إن شاء الله محمد ناظر تاركات الصحبة والخير في الجميع. الله عز وجل آية الكريمة میں کہتا ہے أولئك الذين هدى الله فبهدى هم مقتدي. वो आयत कैरी में अल्लाह सेवदे इंसानदार अल्लाह के सबसे महबूब बंदे पैगंबर हैं, उसके बाद वो जो उनके करीब हैं सहाबा अल्लाह के दोस्त, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इस रास्ते पर चलते हैं, वो इनके रास्ते पर चलने को कहता है, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता जो अल्लाह चाहता है, इसलिए ये अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला का हुक्म है। कि इताअत करेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी, अगर आप इनका कबूल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर कबूल आपके लिए अच्छाई नहीं होगी कोई भी। अल्लाह आपसे राज़ी हो। आज इतने सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया है मौलाना शेख नासिम की बरकत से, गैर मुस्लिमों ने ये तरीका चुना है, जो लोग इस रास्ते पर नहीं थे उन्हें हिदायत मिली इस वसीले से इन उनके रास्ते पर चलने की। अल्लाह कहता है कि अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को उससे मोहब्बत करने का हुक्म देता है और मलाइकों को भी वो ऐसा ही कहता है, मेरे इस बंदे को मोहब्बत करें। जब एक बंदे की मोहब्बत होती है हर कोई उनसे मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में से है, इसलिए औलिया की इज्जत करना और उनसे मोहब्बत करना और अच्छे लोगों से मोहब्बत करना सबसे खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत से हमारा मतलब है सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। हर कोई खूबसूरती को नहीं पाता, जिसे अल्लाह चाहता है वही ये खूबसूरती और ये फजीलत पाता है। अल्लाह अपने बंदों से उनसे मोहब्बत करवाता है और अपने बंदों में से मोमिनीन से, वो हर किसी को इनसे मोहब्बत करवा सकता है चाहे मोमिन हो या नहीं। एक इज्जत होती है क्योंकि वो अल्लाह का महबूब बंदा है, इसलिए ये मुबारक लोग हमारे लिए नूर हैं, ये हमारी ज़िंदगी का नूर है, ये हमारे दिलों की रोशनी है, उनके नूर से लोग राहत पाते हैं, इस नूर में लोग आराम से रहते हैं। जब अंधेरा होता है तो ज़्यादातर लोग अंधेरे से डरते हैं। जब नूर होता है तब अच्छा होता है और कोई डर नहीं होता। दिन के उजाले में रात का डर नहीं होता। हर कोई ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं अगर कुछ भी नहीं होता। जब नूर होता है तो ऐसा है अगर कोई ज़ाहरी नूर ना भी हो, हमारे अंदर की रोशनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब अंदर अंधेरा होगा तो
बाहर से चाहे कितनी ही तेज रोशनी क्यों ना आ रही हो, फिर भी वो परेशानी रहती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी रात में लोग अपना ये नूर पाते हैं। लोग ये नूर पाते हैं अल्लाह अज़्वजल्ला की मोहब्बत से, लोग रोशन होते हैं पैगंबर, और लोग रोशन होते हैं नूर वाले लोगों के नूर से, कि कायनात पहले से ही रोशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, ये उनके नूर से बने हैं। अल्लाह आप सब का यहाँ आना कबूल फरमाए, उसकी रहमत बड़ी है, उसकी अज़मत बड़ी है, और जो आ सके और जो नहीं आ सके, क्योंकि बिल्कुल ये मुश्किल है हर किसी का आना। अगर वो आए सारे, माशाल्लाह साइप्रस में इतनी जगह नहीं होगी, अल्लाह उनसे भी राज़ी हो, अल्लाह उन सब को अपने नूर में से अता फरमाए, अल्लाह आप सब से राज़ी हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आयतुल करीमा में कहता है, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु,